हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 54 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। सभी बच्चे 6 to 8 इस एक्टिविटी शीट को करेंगे। आज की एक्टिविटी शीट का सब्जेक्ट है मैथ्स। आप अपनी मैथ्स की नोटबुक में ये एक्टिविटी शीट करेंगे। ये एक्टिविटी शीट 25th मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। हिना बॉट अ पाई, रिया वॉन्ट टू ट्राई, सो दे प्लान टू डिवाइड एंड डिफरेंट मेथड टू द अप्लाइड, बट बोथ गॉट इक्वल पार्ट टू द पाई एंड लेट सी हाउ एंड वाई। देखो क्या कहा जा रहा है कि हिना बॉट अ पाई, एक पाई लेकर आई। रिया ने भी क्या किया, उसको ट्राई करना चाहा, पिज्ज़ा कर दो या पाई कर दो, या उसने क्या किया, दोनों ने लेना चाहा और दोनों ने डिवाइड करने का अपना अपना प्लान बताया। उसने क्या किया, एक पिज्ज़ा लिया, उसको क्या किया, हाफ ऑफ कट कर दिया। यहाँ पे जो रिया थी उसने क्या किया, रिया का मेथड क्या था, रिया ने लिया, उसको 4 पीट्स में डिवाइड किया और 2 पार्ट्स इसने रख लिए, 2 पार्ट्स इसने रख लिए, तो दोनों ही क्या हो गए, सेम हो गए। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, नंबर्स अलग अलग हो लेकिन उसका जो आंसर हो वो इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आज फ्रैक्शन दैट लुक डिफरेंट बट हैव सेम वैल्यूज, जिसकी वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है लेकिन दिखने में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि 1/2, 2/4, 3/6, देखो दिखने में तो सारी अलग अलग है लेकिन जब हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तो 1/2 देखो एक टेबल से कट हो जाता है 2 के टेबल से, 2 1 2, 2 2 4, 3/6 भी एक टेबल से कट हो जाता है 3 1 3/3 और 3 2 6। देखो सो इसका आंसर कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अब देखो क्या कहा गया है, शेड द करेक्ट पार्ट ऑफ ईच सर्कल शोन द टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, दोनों फ्रैक्शन क्या हो, इक्विवेलेंट हो जाए, इसलिए हमें क्या करना है, उसको शेडेड करना है। जैसे कि 1/4 अगर हमने यहाँ पे 1 कर दिया तो ये क्या होगा, शेडेड पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल नंबर होता है वो नीचे लिखते हैं और शेडेड पार्ट को हम ऊपर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कितने पार्ट्स हैं, टोटल है 12, तो हमें 3 पार्ट्स, 1 2 3, इस पार्ट्स को हमें क्या करना है, कलर करना है। तो अब देखो आप अच्छे से कलर करेंगे तो अब देखो ये हो गया 3/4, लेकिन ये तो 1/4 है, ये 3/2 है, ये कैसे इक्विवेलेंट हुआ, तो देखो किस तरह से अगर हम इसको कट करते हैं, 3 1 3, 3 4 12, तो देखो अब दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसीलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखो क्या है, 2/3, तो हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, हमने क्या किया, 2 पार्ट्स को कलर कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, 2/3। अब हम देखते हैं 8/12, तो हम करते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने क्या किया, हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। तो अब ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/12, लेकिन 2/3 और 8/12 तो अलग अलग नंबर है, लेकिन ध्यान से देखो क्या करना है, हम क्या करते हैं, 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 2 8, 4 3 12, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया ना, दोनों ही नंबर यहाँ पे क्या आ गए, सेम आ गए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, राइट डाउन देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, हमें यहाँ देखना है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। टोटल पार्ट हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, टोटल कितना है, 2 है, शेडेड पार्ट कितना है, टोटल पार्ट कितना है, 3 है और शेडेड पार्ट कितना है, 2, तो 2/3 इसका फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें देखते हैं, देखो शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे क्या है, शेडेड पार्ट है, ठीक है, हमने काउंट कर लिया। अब हम देखते हैं जो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6 तो थे ना, 7 8 9 9, ये, लेकिन यहाँ तो दोनों ही नंबर अलग अलग हैं, ये तो इक्विवेलेंट नहीं है। ध्यान से देखो ये इक्विवेलेंट है, किस तरह से हम 3 से इसको कट करते हैं, तो 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे शेडेड पार्ट है। अब जो टोटल पार्ट्स देखो काउंट करते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है, 16, 4/16 आ गया। अब यहाँ पे देखो शेडेड पार्ट कितना है, 1, और टोटल पार्ट कितना है, 4, तो वही वापस कट करो, 4 1 4, 4 4 16, तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गए। देखो आसान है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है करने में। इफ़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज योर एम, द बॉटम नंबर डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। अगर आपको इसी तरह से फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन और क्या दिया जाता है, एडिशन दिया जाता है, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको बॉटम नंबर जो दिया गया है या जो डिनोमिनेटर दिया गया है, आपको वो नंबर क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। तो देखो किस तरह से करते हैं, एक समझते हैं, 1/2 + 1/3 है। अब ये देखो डिनोमिनेटर वाले जो नंबर है दोनों में क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 को हम ऊपर और नीचे 3 से, ये जो नंबर दूसरे वाला जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे में देखो 1/3 नंबर है, इसको इस डिनोमिनेटर से हम क्या कर देंगे, जो ये वाला डिनोमिनेटर है ना, कलर चेंज करके बताती हूँ, ये वाला डिनोमिनेटर है इससे हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 को जब 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा,
थ्री आएगा, टू को थ्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा, इसी तरह टू को वन से किया तो टू आया, टू को थ्री से किया तो सिक्स आया। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, जब सेम हो गया तो हम आंसर कर सकते हैं फाइव बाई सिक्स, हमारा जोड़ के जो सिंपल एडिशन है वो करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री, तो आइए करते हैं इन क्वेश्चन को। तो आइए देखो शुरू करते हैं, किस तरह से शुरू करेंगे, यहाँ पे पहला देखो क्वेश्चन क्या है, वन बाय टू प्लस थ्री बाय एट, क्वेश्चन क्या है वन बाय टू प्लस थ्री बाय एट है। तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन हम कुछ टू को अगर हम फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों को करना ज़रूरी नहीं है, बस आपको डिनोमिनेटर सेम करना, चाहे किसी भी तरह से करो। तो हमने क्या किया, वन बाय टू को हमने ऊपर और नीचे फोर से मल्टीप्लाई किया। जब आपने फोर से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो जाएगा, जब आप फोर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो वन को, एक सेकेंड, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखो वन को फोर से किया तो फोर आया, टू को एट फोर से किया तो एट आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, थ्री बाय एट, ये एज इट इज़ वही नंबर रहेगा। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे फोर में, क्योंकि आगे क्या करना है, एडिशन करना है ना आपको, तो सेवन बाय एट हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा गया है, टू बाय फिफ्टीन प्लस थ्री बाय फाइव, इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक करना है। लेकिन देखो टू बाई फिफ्टीन और थ्री बाई फाइव दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो फाइव को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि फिफ्टीन आ जाए। तो फाइव को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो थ्री बाई फाइव को हमने क्या किया, ऊपर नीचे थ्री थ्री से दोनों तरफ से, सिर्फ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो न्यूमिनेटर में नंबर है उससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम थ्री थ्री से इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो जब थ्री थ्री को मल्टीप्लाई करोगे तो नाइन आएगा, फाइव और थ्री को मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्टीन आएगा। अब देखो दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, तो सीधा एडिशन करना है, टू को फाइव से एडिशन करोगे इलेवन आएगा, फिफ्टीन को फिफ्टीन से करोगे तो ऐड नहीं करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सिर्फ कॉमन रखना होता है। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में फाइव बाई सिक्स प्लस सेवन बाई टेन, अब देखो ये नंबर ऐसा है, इसमें हमें दोनों ही नंबर अलग अलग है, तो हमें दोनों ही नंबर को दूसरे जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि फाइव बाई सिक्स को हमें ऊपर नीचे टेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेवन बाई टेन को हमें ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम करते हैं, देखो यहाँ से ध्यान से समझो, इसको हमने फाइव बाई सिक्स को टेन बाई टेन से मल्टीप्लाई किया, सेवन बाई टेन को हमने सिक्स बाई सिक्स से मल्टीप्लाई किया। तो जब फाइव को टेन से करोगे फिफ्टी, फाइव को सिक्स से करोगे सिक्सटी, उसके अलावा सेवन को सिक्स से करोगे फोर्टी टू, और सिक्स को आप करोगे जब टेन से करोगे तो सिक्सटी आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है, नाइन्टी टू बाई सिक्सटी। ठीक है, अब क्या होता है, जब क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जब हमारा फ्रैक्शन में नंबर होता है तो वो किसी एक टेबल से कट होता है तो हम उसे काट देते हैं। जैसे कि 92 को अगर हम, जब देखो 92 को हम क्या करते हैं, 2 से कट करते हैं, तो कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8 और 1 बचा 46, तो कितना आ जाएगा, 46 डिवाइडेड बाय 30, ये 41 नहीं है, बाय मिस्टेक लिखा गया है, 46 डिवाइडेड बाय 30, ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट्स सबट्रैक, अभी हमने ऐड किया, अब हम करते हैं सबट्रैक, सेम वही मेथड है, बस हमें क्या करना है, जो हम फाइनल लास्ट में हम ऐड कर रहे थे वो हमें क्या करना है, सबट्रैक करना है। पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया, उसके बाद हमें सबट्रैक्शन कर लेना, बहुत ही आसान है। एक दो तीन क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं, तो आइए समझते हैं इन क्वेश्चन को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 बाय 5 माइनस 3 बाय 2, तो देखो वही हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो सेम करते हैं, हम क्या करेंगे, 4 बाय 5 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, और 2 बाय 3 को ऊपर नीचे 5 5 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 5 को 3 से करोगे 15 आएगा, 2 को 5 से करोगे 10 आएगा, 5 को 3 को 5 से करोगे 15 आएगा। तो अब हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होगा, तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को तो कॉमन ही लिख लेते, ऐड या सब्ट्रैक्शन नहीं करना होता, डिनोमिनेटर को कॉमन लिखना होता है। 12 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से, 4 बाय 6 माइनस 3 बाय 8, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, अब हमें भी वापस से डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 बाय 6 को ऊपर नीचे 8 और 8 से मल्टीप्लाई किया, 3 बाय 8 को ऊपर नीचे 6 6 से मल्टीप्लाई किया। अब जब इस तरह से आप करोगे तो 4 बाय 8 4 8 ज़ा 32 आ जाएगा, और 6 को 8 से करोगे 48, इसी तरह से 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, 4 को 8 से करोगे 48 आएगा। अब इसे क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्शन कर देना है, पहले हम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे, 48 हमारा डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद जब 32 में से 18 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखो क्योंकि ये नंबर क्या है, कॉमन है, एक ही टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 बाय, जब 2 से इसे कट करोगे तो 7
और 2 से 48 को कट करोगे तो 24 हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट इस एक्टिविटी का क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है, 3/4 माइनस 1/3 है ना। अब क्या करो, दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पे अलग अलग है, फिर हम क्या करेंगे, सामने जो आगे का डिनोमिनेटर है या जो पीछे का डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, देखो 3/4 हमने यहाँ पे लिखा और ये डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो हम दोनों तरफ 3 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1/3 दिया गया है तो दोनों ही डिनोमिनेटर को हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से समझो, सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरे नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे सेम नंबर से, नंबर सेम। आप इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1/3 को हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे नहीं, 4/4 से। इसको इसके अकॉर्डिंग जो डिनोमिनेटर होगा उसके अकॉर्डिंग अब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 9/9 को जब करोगे, 3/3 को मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, 4 3 12, 1 को 4 से करोगे 4 4/12 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्शन करो, डिनोमिनेटर हमने कॉमन ले लिया, 9 को जब 4 माइनस करेंगे तो 5 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी आज की। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।